प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। ये है 6 नवंबर 1975, समय है रात्रि में 11:11 का और कोलकाता पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है। इस आधार पर कुंडली बनेगी कर्क लग्न और धनु राशि की। इसका प्रभाव इनके जीवन पर कैसा पड़ेगा और ग्रह अवस्था किस तरह का इनको प्रभाव देंगी, आज इसी से जुड़े कुछ सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकी कुंडली में बन रहे योगों की जानकारी आपको देने वाला हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करके जीवन में ये अत्यधिक सफल हो सकते हैं और अपने जीवन काल में शुभ प्रभाव को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी इसी कुंडली से हम ढूंढेंगे। तो आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें जिससे आप इस कुंडली का अधिक गहराई के साथ अध्ययन कर सके। अब आइए हम कुंडली का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो लग्न है कर्क। कर्क लग्न के अनुसार जातक भावुक स्वभाव का होता है, दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, इसलिए धोखा मिलता है। कई बार लापरवाही या आलस का स्वभाव आता है, लेकिन अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करना, भले धीरे धीरे लेकिन पूरा करना व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। जातक सभी से जोड़ कर रखना चाहता है, सभी से जुड़कर रहना चाहता है, लेकिन कई बार ये स्थिति बनती है कि अन्य परिवार के लोगों से न चाहते हुए भी जातक के संबंध खराब हो जाते हैं। फिर अगर आप देखें तो यहाँ जो राशि बनी है वो धनु राशि है। धनु राशि जीवन काल में व्यक्ति को ज्ञान बुद्धिमत्ता अधिक प्रदान करती है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, गहराई तक किसी विषय को सीखना, खोजना, जानना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। यहाँ धनु राशि के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है और ये बोल सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करने वाला होता है। ये धनु राशि आप जानते हैं नवम भाव की राशि है, तो धार्मिकता का प्रभाव तो आएगा ही। अन्य को सही सलाह देना, सही ज्ञान देना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। यहाँ धनु राशि के चलते लंबी दूरी की यात्रा, देश विदेश की यात्राएं भी व्यक्ति करता है, लेकिन कोई गलत बोलता है तो व्यक्ति सीधे मुंह पर उसकी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता। यहाँ इस धनु राशि के प्रभाव से व्यक्ति को ताने मारने का स्वभाव होता है। अगर कोई काम सही तरीके से नहीं होगा तो व्यक्ति सुनाकर वहां से निकल जाएगा। झगड़े विवाद का स्वभाव नहीं होता, केवल सुनाकर वहां से निकल जाने का स्वभाव होता है। तो ये बात आप देख पाएंगे कि जब भी धनु राशि होती है तो कुछ इस तरह की बातें जीवन पर मिलती है। यहाँ अगर बात करें लग्न के स्वामी की तो वो चंद्रमा बनता है। चंद्रमा कुंडली के 6 भाव में बैठा है, जिसके चलते अवयोग बन जाएगा। अवयोग के कारण व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, अन्य का सहयोग कम मिलता है, ज्यादा प्रयास के बाद सफलता मिल पाती है। यहाँ लग्न का जो तत्व है वो जल तत्व है और राशि का तत्व अग्नि तत्व है। तो आप देखेंगे तो जल और अग्नि का प्रभाव भी आपस में मैच नहीं करता, इसीलिए अन्य लोगों का सहयोग कम मिलता है। यहाँ तो ये भी देखने को मिला कि जब लग्न का स्वामी 6 भाव में हो तो घर परिवार के लोगों का भी विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा माता का कारक है तो माता के स्वास्थ्य में समस्या रहे, माता से सहयोग कम रहे, माता का साथ कम मिल पाए, ये सब बातें आप कह सकते हैं जो इस कुंडली में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ का स्वामी भी नीच राशि में है जो प्रभाव बढ़ा रहा है, बाकी फिर भी चंद्रमा यहाँ 6 भाव में है, कमजोर कहलाता है, जिसके चलते मानसिक अशांति चिंता अधिक प्रदान करता है। तो ये बात कई बार देखने को अधिक मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर इस चंद्रमा के चलते ये 6 भाव धन लाभ का भी होता है। तो लगने जब 6 भाव में जाए तो एक बात होती है कि व्यक्ति अत्यधिक लाभ कमा पाता है, अपनी मेहनत से अपनी ऊर्जा से व्यक्ति सफल हो पाता है। भले कर्क लग्न है लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। ये जरूर है कि धन को लेकर के चिंता प्रदान करना इस चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रदान करना, क्योंकि लग्न का स्वामी 6 भाव में जाता है तो 6 भाव को तो शुभ कर देता है, स्वयं कमजोर होता है, जिसके कारण लग्न का प्रभाव अच्छा नहीं मिलता।
और लग्न स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य में कुछ न कुछ चलते रहता है, तो ये प्रभाव कई बार यहाँ देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद दूसरे भाव का स्वामी यहाँ सूर्य बनता है। सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, जिसके चलते व्यक्ति को कहीं ना कहीं पिता का सहयोग कम मिलता है, मान सम्मान जितना उसे मिलना चाहिए उसमें कमी महसूस होती है, कई बार हड्डियों से जुड़े, आंखों से जुड़े कुछ रोग होने की संभावना रहती है। यहाँ पर सूर्य राहु का चतुर्थ भाव में होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जो दादा रहे होंगे वो मान सम्मान से युक्त अच्छे प्रतिष्ठित रहे होंगे, व्यक्ति भी उतनी ही प्रतिष्ठा हासिल करेगा। पिता से तालमेल कम रहते इसके चलते ये भी देखने को मिला कि लग्न का शनि भी यही करता है कि पिता से तालमेल में कमजोरी लाता है, लेकिन फिर भी ये बात देखने को मिलती है कि कई बार चतुर्थ भाव में सूर्य राहु हो तो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, थोड़ा मानसिक तनाव चिंता रहती है, लेकिन ये देखने को मिला कि व्यक्ति अगर मन को शांत रखे, मेडिटेशन योगा प्राणायाम करे तो इसके प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है और व्यक्ति थोड़ा अच्छा जीवन यापन कर पाता है। देखिए दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में है, जिसके चलते व्यक्ति को जो धन संचय होने का प्रभाव मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता, और ये भी आप बोल सकते हैं कि दूसरा भाव कुटुंब का है तो कुटुंब के लोगों का सहयोग इतना अधिक नहीं मिल पाता, इससे व्यक्ति थोड़ा अकेला हो जाता है, जिसके चलते थोड़ी चिंता व्यक्ति को महसूस होती है। लेकिन आप देख पाएंगे कि इस कुंडली के अंदर धन बचाने का प्रभाव फिर भी थोड़ा कमजोर है, धन को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कभी कभार चिंता आ सकती है, ये बात देखी जा सकती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कुंडली के तीसरे भाव का और बारहवें भाव का स्वामी चंद्रमा बुध बनता है, ये बुध चतुर्थ भाव में है। मैंने आपको बताया है कि तीसरे का स्वामी चतुर्थ में हो या बारहवें का स्वामी चतुर्थ में हो तो ये व्यक्ति को बहुत अधिक यात्राएं करवाता है, देश विदेश की यात्राएं व्यक्ति को बहुत अधिक करना पड़ती है और धार्मिक भी होती है, बिना किसी काम की ऐसे ही घूमने के हिसाब से भी होती है, कई बार कहीं बाहर जाके ऐसा कुछ काम करना फिर वापस आ जाना, इस तरह का प्रभाव भी मिलता है। तो ये बुध जो दर्शा रहा है कि व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश की यात्राएं अधिक करेगा, विदेश कई बार ऐसा व्यक्ति लंबे समय के लिए जाकर बस भी जाए, इस तरह का प्रभाव भी मिलता है। तो यानी यहाँ पर यात्राएं व्यक्ति की लगातार जारी रहेंगी, इस बुध के प्रभाव से व्यक्ति अधिकतर जन्म स्थान से दूर बाहर यात्राएं करता रहेगा, ये बात यहाँ देखने को मिल सकती है। ये जरूर है कि जब भी तीसरे का स्वामी यहाँ पर चतुर्थ में होता है या बारहवें का स्वामी चतुर्थ में होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक चिंता करने लग जाता है, जिसके कारण तो टेंशन अधिक रहती है। हालांकि तीसरे के स्वामी का चतुर्थ में बैठना व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करते रहने के लिए प्रेरित करता है, जो कि अच्छी बात है, इससे इतना खराब प्रभाव नहीं मिलता, तो ये कम से कम ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अत्यधिक यात्रा आदि करवाता है, जिसके चलते व्यक्ति को जो स्थिरता मिलनी चाहिए उसमें कमी महसूस होती है, तो ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये बुध सूर्य और राहु के साथ है, हालांकि चतुर्थ का बुध अच्छा होता है। अब बुध बहन को, बेटी को, बुआ को दर्शाता है तो सूर्य राहु के साथ होने के चलते इनसे तालमेल में कमजोरी आ सकती है, बहन बुआ बेटी इनसे थोड़े संबंध में कमजोरी रह सकती है या इनको स्वयं को भी कष्ट रह सकता है, जो बहन बुआ बेटी है इनके जीवन में भी थोड़ी सी अशुभ स्थिति रहे, थोड़ा अशुभ प्रभाव मिले, ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा नकारात्मक प्रभाव बुध का है, लेकिन चतुर्थ का बुध ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है, परिस्थिति के अनुसार काम करने वाला बनाता है और कम उम्र से ही व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने लग जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है, तो ये अच्छी बात है। फिर अगर आप एक और बात देख पाए हो तो यहाँ पर तीसरे का स्वामी चतुर्थ में और चतुर्थ का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, ये परिवर्तन योग है। अब हालांकि ये परिवर्तन कोई बहुत शुभ परिवर्तन तो नहीं है, ये यात्राएं अधिक करवाता है, घर परिवर्तन अधिक करवाता है, व्यक्ति हालांकि अपने दम पर घर बना लेता है लेकिन परिवर्तन आदि अधिक होते हैं। यहाँ इस परिवर्तन से शुक्र का नीच राशि में होने का प्रभाव तो भंग हो जाएगा, शुक्र अच्छे प्रभाव देने लग जाएगा, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में है तो शुक्र भी यहाँ पर बैठकर अत्यधिक यात्राएं करवाता है, विदेश से जोड़ता है, विवाह के बाद तो विदेश जाने का अधिक प्रभाव निर्मित हो जाता है और कई बार संतान होने के बाद भी ये प्रभाव बढ़ते देखा गया,
लेकिन विदेश जाना पड़ता है, व्यक्ति बहुत अधिक यात्राएं करता है। तीसरे भाव से देखा जाए तो मेहनत और पराक्रम को देखा जाता है। अब तीसरे भाव में शुक्र जैसा ग्रह बैठता है तो ये तो बोला जा सकता है कि व्यक्ति कई बार आलस का प्रभाव महसूस करता है या व्यक्ति आलसी हो जाता है। शुक्र बैठकर काम करना या अपनी बुद्धि से काम करना उसके लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ व्यक्ति किसी ऐसे काम में जुड़े जिसके चलते उसे बैठकर काम करना पड़े, बैठ के उसे इनकम हो, ये बात देखने को मिल सकती है। इस शुक्र के प्रभाव से अधिक देखने को मिल सकती है। इस पर गुरु की दृष्टि भी है तो निश्चित ही रूप से व्यक्ति बैठकर काम करेगा। इस पर शनि की दृष्टि है तो भी बैठकर काम करेगा। मंगल के प्रभाव से थोड़ा थोड़ी भागदौड़ आती है लेकिन इतनी अधिक नहीं, तो इसलिए व्यक्ति अधिकतर बैठकर बुद्धि विवेक से काम करेगा। ये बात अधिक देखने को मिल सकती है यहाँ पर। बाकी शुक्र जो है यहाँ पर चतुर्थ का स्वामी होकर बैठा है, यात्राएं करवाता है, घर से दूर रखता है कई बारी। सुख आदि जो व्यक्ति अर्जित करता है उसका स्वयं कम भोग कर पाता है, अन्य लोग अधिक भोग करते हैं। लाभ का स्वामी जब नीच राशि में होता है तो लाभ कमाने के लिए अधिक कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि नीच राशि के होने का प्रभाव तो कम हो गया, इसके चलते व्यक्ति को लाभ तो हो जाता है लेकिन चूंकि सूर्य का प्रभाव सही नहीं हुआ है, जिसके चलते व्यक्ति को धन बचाने का प्रभाव तो कम मिलेगा ऐसा समझना चाहिए। यह प्रभाव थोड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी शुक्र फिर भी ओवरऑल ठीक स्थिति में है, चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, उसके पास में है, इससे उसका बल अच्छा है, उसमें सफलता या उसका दशा आदि के अंदर प्रभाव देने की स्थिति ठीक है, अच्छी है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। फिर इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक पंचम के स्वामी, दशम के स्वामी मंगल बनते हैं जो कुंडली के 12वें भाव में है। अब वही बात आती है यहां पर भी, 12वें भाव में जब दशम का स्वामी बैठे तो व्यक्ति को विदेश ले जाता है कार्य के चलते, बाहर से जोड़ देता है, या यात्राएं व्यक्ति को अधिक करना पड़ती है जिससे व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है विदेश से। फिर आप ये देख पाएंगे कि जब भी दशम का स्वामी 12वें में हो या पंचम का स्वामी 12वें में हो तो व्यक्ति जो ज्योतिष या ऐसे रहस्यमय विषय है उनमें रुचि लेता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, जो ऐसे ओकल्ट साइंस है उनके लिए अष्टम भाव को भी देखते हैं, और 12वें भाव से भी इसी तरह के विषयों का जो गुप्त हो उनका विचार किया जाता है। इसीलिए व्यक्ति इनमें कई बार रुचि लेता है। टेरो कार्ड होते हैं या हीलिंग वाली जो कार्य होते हैं वो 12वें भाव से देखा जाता है। योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ये 12वें भाव से देखी जाती है। तो मंगल 12वें भाव में बैठता है तो ये इन चीजों से जोड़ देता है, और निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति अवश्य से इन चीजों में रुचि लेता है, उनको सीखने का प्रयास करता है। आयुर्वेद, क्योंकि देखिए दशम का स्वामी 12वें में है, हॉस्पिटल से भी जोड़ता है, और आयुर्वेद मेडिसिन इन इस तरह की चीजों में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। और मैं तो कहूँ कि यहाँ पर गुरु नवम में है, व्यक्ति अन्य को सही ज्ञान दे, सही सलाह दे, यही बात देखने को मिलेंगी। अगर ज्ञान अर्जित करेगा तो अन्य को सही ट्रीटमेंट दे पाएगा, ये बात देखने को मिलेंगी। तो ये अच्छा योग है, कोई खराब योग यहाँ पर नहीं बनता है। फिर एक बात और आप देख पाएंगे कि इस मंगल की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर आती है, जिसके चलते जिसको व्यक्ति पैसे देता है वो पैसे फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन व्यक्ति स्वयं कर्ज लेता है तो ये बात सुनिश्चित करता है यह मंगल कि व्यक्ति अपने दम पर कर्ज उतार पाता है। कर्ज की जो समस्या उसकी रहती है उसे वो स्वयं से पूरी कर पाता है, उसे दूर कर पाता है। हालांकि चंद्रमा 6ठे भाव में है तो कर्ज लेना कोई खराब नहीं है, बल्कि व्यक्ति जितना कर्ज लेगा उतना अधिक सफलता अर्जित करते जाएगा। अभी भले मंगल के प्रभाव से, मंगल की दशा होने से कर्ज में वृद्धि हुई हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति कर्ज उतार पाएगा। ये मंगल वक्री भी है तो बल्कि व्यक्ति कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दूं मैं, तो ये अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने वाली है, ये अच्छी स्थिति है। फिर कुंडली के 6ठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु भाग्य भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये गुरु की अच्छी स्थिति है। ये जरूर है गुरु का वक्री होना थोड़ा मध्यम प्रभाव देता है, लेकिन गुरु ज्ञान के कारक है, वक्री होने पर इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो व्यक्ति अधिक से अधिक सीखना चाहता है और उसका मन कभी भी भरता नहीं है, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करते ही रहना चाहता है, तो ये गुरु इस तरह का प्रभाव दे सकता है। गुरु नवम भाव का लंबी दूरी की यात्राएं भाग्यशाली बनाने का काम अवश्य से करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस गुरु की दृष्टि लग्न पर होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है, अन्य को सही सलाह देने वाला होता है। इस नवम के गुरु के बारे में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति दूसरों को
बद्दुआ भी देता है तो उनको दुआ के रूप में लगती है, मतलब उनके लिए अच्छा ही होता है, किसी के लिए बुरा नहीं होता। यानी ऐसे व्यक्ति का बोलना दूसरों के लिए शुभ ही रहता है, खराब प्रभाव नहीं देता। इस बुध की दृष्टि शुक्र पर है, जो लक्ष्मी योग बनाती है, व्यक्ति को अच्छा धन दिलाने का काम करती है, सुख सुविधा देने का काम करती है। इस गुरु की दृष्टि पंचम पर है, तो संतान अच्छी होती है, संतान आज्ञाकारी होती है, सहयोग देने वाली होती है। हाँ, ये जरूर है, पंचम का समय 12वें में हूं तो कई बार देखने को मिला संतान दूर रहती है। यानी अब आज के समय पर देखा जाए तो व्यक्ति कहीं पर रह रहा है, उसकी संतान कहीं पर अन्य जगह पढ़ाई करने गई है, या बाहर रह रही है, या नौकरी बाहर जुड़कर कर रही है, विदेश जा रही है, तो ये सब बातें कई बार व्यक्ति को ऐसा कर देती है कि संतान साथ में कम रहती है। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि होने संतान का सुख अच्छा रहता है, और गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छी पड़ रही है, जो प्रभाव शुभ ही देता है, व्यक्ति को स्वयं को भी ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है और संतान को भी अच्छा प्रभाव देने वाला बना देता है। फिर इस गुरु की ओवरऑल स्थिति कही जाए तो अच्छी है। हाँ, वक्री हो जाने से ये अपने नवम भाव के फल में थोड़ी मध्यम स्थिति ले आएंगी। विशेषकर ग्रह, कोई भी ग्रह जब वो खराब प्रभाव देता है तो अपने रिश्तों से जुड़ा देता है। यानी नवम भाव पिता का है, तो पिता को भले ही धार्मिक बनाए, अच्छे कार्य करने वाला बनाए, लेकिन व्यक्ति के साथ तालमेल संबंध में कमजोरी उत्पन्न अवश्य करेगा, तो वो बात देखने को मिल सकती है यहाँ पर। फिर अगर हम सप्तम भाव और यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी की बात करें, जो शनि बनता है, तो शनि लग्न में है। लग्न में शनि का होना आयु वृद्धि के लिए अच्छा होता है, व्यक्ति को अच्छी आयु प्रदान करता है। यहाँ पर सप्तम का स्वामी होकर के बैठा है तो जरूर व्यक्ति सबकी चिंता करे, सबके लिए सोचे, इस तरह की बात देखने को मिल सकती है। व्यापारिक गुण व्यक्ति में अच्छा होता है, व्यापार करना व्यक्ति को अच्छे से आता है, परिस्थिति के अनुसार ढलना व्यक्ति को अच्छे से आता है। ये बोल सकते हैं कि इस लग्न के अंदर लग्नेश का छठे में होना और शनि का लग्न में होना रोग और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब स्थिति है। ये व्यक्ति को एक एक करके कोई ना कोई रोग चलता रहे, जिसकी चिंता रहे। फिर स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो ये अष्टम का स्वामी बैठता है तो आयु वृद्धि करता है, लेकिन स्वास्थ्य में रोग कुछ कुछ ना कुछ प्रदान कर ही देता है। फिर यहाँ आप देख पाएंगे कि जब भी अष्टम का स्वामी लग्न में होता है तो व्यक्ति कुछ मानसिक रूप से अशांत रहता है, अधिक बेचैनी रहती है। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च का है, तो व्यक्ति रिसर्चर होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, कुछ न कुछ खोजते रहता है, जानते रहता है, ये स्वभाव में देखने को मिला। यानी ओवरऑल स्थिति ठीक ही रहती है, खराब नहीं रहती। फिर आप देख पाएंगे कि जो शनि सप्तम का स्वामी अष्टम का स्वामी है, लाभ अच्छा करवाएगा। अष्टम का स्वामी लग्न में हो तो व्यक्ति कहीं दूर स्थान पर जाकर, जन्म स्थान से दूर जाकर वहीं पर बस भी जाता है, वहीं पर सेटल हो जाता है, तो ये बात भी देखने को मिल सकती है। व्यक्ति विदेश जाना चाहे, कहीं दूर स्थान पर जाना चाहे, तो वहां पर जाकर व्यक्ति बस सकता है। इस तरह का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। बाकी जन्म स्थान से दूर रहने का प्रभाव अधिक बन रहा है कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति को उस तरह के योग मिलते भी है। फिर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो शनि ठीक ही है, थोड़ा संघर्ष या मेहनत करवाता है, मेहनत के अनुरूप कई बार धन कम मिलता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सफलता दे देता है। और ये शनि क्योंकि लग्न में है तो ये संघर्षकारी योग बनाता है, अकेला भी है और लग्नेश कमजोर है, तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा को बलवान करना आवश्यक है। चंद्रमा को बलवान करने से शुभ प्रभाव अधिक प्राप्त होंगे, व्यक्ति सफलता अर्जित कर पाएगा, तो उसके लिए कोशिश अवश्य करनी चाहिए, उसके उपाय जो बताएंगे वो करना चाहिए जातक को। फिर अगर आप देखेंगे तो राहु केतु की बात करें, राहु देखिए चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का राहु भी सुख सुविधा लग्जरी अच्छी प्रदान कर देता है, लेकिन बस चिंता अधिक देता है, माता के स्वास्थ्य में खराबी, माता संबंधों में खराबी उत्पन्न कर देता है। फिर ये सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, जिसके चलते मान सम्मान भी धीरे धीरे बन पाता है, जल्दी नहीं बन पाता, तो कई बार जल्दीबाजी में आकर व्यक्ति काम बिगाड़ भी लेता है, तो वो थोड़ी कमजोरी आ जाती है। फिर यहाँ पर ये राहु बुध के साथ भी है, तो कई बार स्किन से जुड़ी, दांतों से जुड़ी, गुप्तांगों से जुड़ी समस्या देने का काम कर देता है, और विशेषकर लीवर किडनी में प्रॉब्लम देने का काम ये कर सकता है, तो ये थोड़ी खराबी यहाँ पर बनती है, जो थोड़ी सी व्यक्ति को जिसका ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। हालांकि गुरु की लग्न पर दृष्टि स्वास्थ्य के लिए सजग बनाती है, शनि का लग्न में होना थोड़ा लापरवाही दर्शाता है, लेकिन फिर भी मंगल 12वें भाव में है तो व्यक्ति एक्सरसाइज योगा प्राणायाम से जुड़ा रहेगा, जो अच्छा है उसके लिए, अच्छी सफलता प्रदान करेगा। फिर केतु की बात करें, देखिए केतु दशम भाव में है। दशम भाव में केतु बार बार कार्य बदलना या बार बार व्यक्ति को स्थान बदलना, व्यक्ति कई यात्रा अधिक करता रहे, घूमता फिरता रहे, ये
इस तरह की बातें देखने को मिलती है। मतलब व्यक्ति को बैठना कम पड़ता है, यात्रा अधिक होती है। भले व्यक्ति बैठकर काम करना चाहता है, लेकिन या तो कोई फंक्शन के चलते या कोई अन्य कार्य के चलते व्यक्ति को अधिक घूमना फिरना पड़ता है, और ये केतु व्यक्ति को अधिक घुमाना फिराना काम करता भी है। तो कोई खराब नहीं है, अच्छा ही है। दशम का केतु मंगल की राशि में होकर अच्छा प्रभाव प्रदान करता है, खराब प्रभाव प्रदान नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर इससे शनि चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है, मतलब इसका संबंध शनि चंद्रमा से नहीं है, जिसके चलते कोई खराब प्रभाव नहीं बनेगा, जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। ठीक है कि चंद्रमा पर दृष्टि होने से अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, उस तरह का स्वभाव आ सकता है। बाकी ओवरऑल स्थिति अच्छी है, कोई खराब नहीं है। फिर अभी तक आपने देखा कि जातक को मंगल की दशा चल रही है, और ये मंगल की दशा 2017 से चल रही है, और अभी 2024 के जुलाई में समाप्त तो हो जाएंगी। फिर राहु की महादशा चालू होंगी। राहु कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ है, कोई विशेष खराब नहीं है। राहु सूर्य के साथ, बुध के साथ में है, सूर्य धनदायक है, बुध यात्राकाली है, तो राहु की दशा में व्यक्ति को यात्रा अधिक करना पड़ेगी। जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति बस भी सकता है, लंबे समय तक रह भी सकता है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल राहु की बात करें तो राहु की दशा अच्छी है, राहु में कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं है, क्योंकि राहु के पीछे अगर आप देखेंगे एक शुभ ग्रह बैठा है। किसी भी महादशा स्वामी के पीछे अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो वो महादशा अच्छी जाती है। तो यहां पर ये राहु की महादशा अच्छी जाएंगी, अच्छा प्रभाव दिखाएंगी, ये बात देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, शुभ प्रभाव इससे व्यक्ति को प्राप्त होता है। फिर अगर हम इस कुंडली में बात करें तो ओवरऑल वैसे ग्रह अवस्था अच्छी है। व्यक्ति के संबंध जरूर शनि के लग्न में होने से भी किसी का सहयोग नहीं मिलता, और थोड़ा मतलब ये सूर्य राहु के साथ होने से, चंद्रमा कमजोर होने से थोड़ा तालमेल आने से खराब रहते, कमजोर रहते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कुंडली का बल फिर भी अच्छा है, अच्छा प्रभाव देने वाले योग है। हाँ, सूर्य राहु के चलते पेट की समस्या रहती है, लेकिन व्यक्ति अगर खान पान का ध्यान रखे तो अच्छा रहता है, कोई विशेष खराबी नहीं आ पाती। यहां पर व्यक्ति को एक ही कोशिश करना चाहिए कि अपने चंद्रमा को बलवान किया जाए। चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति को सारी सुख सुविधा प्राप्त हो जाएंगी, अच्छा प्रभाव व्यक्ति महसूस कर पाएगा। उसके लिए गुरु का रत्न पुखरा धारण करें। यहां पर वैसे अन्य स्थिति में गुरु होता तो मैं धारण करने को नहीं बोलता, लेकिन यहाँ नवम भाव में है, अच्छी स्थिति है। गुरु का रत्न पुखराज आजीवन धारण करके रखे, अच्छा रहेगा, इसे चंद्रमा को बल मिलेगा। साथ में गले में चांदी की चेन पूर्णिमा के दिन व्यक्ति धारण करे, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर विशेषकर कोशिश ये भी करना चाहिए कि सफेद वस्तु का दान व्यक्ति को करते रहना चाहिए, विशेषकर चावल का, शकर का। विशेषकर शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या किसी गरीब महिला को देना चाहिए, उससे अच्छा प्रभाव मिलता है और शुभ स्थिति बनती है। बाकी हनुमान जी की पूजा व्यक्ति करता रहे तो कर्ज आदि की भी समस्या नहीं रहेगी, धन की समस्या भी नहीं रहेगी, और अच्छा प्रभाव व्यक्ति महसूस कर पाएगा। यहाँ शुक्र के लिए प्रतिदिन परफ्यूम इत्र आदि का उपयोग करना व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को साफ सुथरा रखना, आसपास साफ सफाई रखना, ये भी अच्छा रहेगा। और ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि शुक्रवार के दिन थोड़ा अपने नहाने के पानी में दही मिलाकर व्यक्ति स्नान करे तो बहुत अच्छा परिणाम इससे शुक्र का मिलता है, और ये भी अच्छा परिणाम देने लग जाता है। तो ये कार्य का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ये कार्य को करना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल अगर कुंडली को देखा जाए ग्रह योग अच्छे हैं। और एक और बात मैं बताऊं आपको कि नवमांश में भी स्थिति आप देखेंगे तो बढ़िया है। जैसे गुरु का लग्न में होना ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है, शनि भाग्य में है जिस पर गुरु की दृष्टि है, तो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ भाग्य बढ़ते जाता है व्यक्ति का, और व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित करते जाता है, नाम सम्मान अर्जित करते जाता है, ये अच्छी बात है। ये जरूर है कि सूर्य चंद्रमा यहाँ पर भी कुंडली के चतुर्थ भाव में, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य उच्च राशि में है, जिसके चलते सूर्य का जो यहाँ पर नीच राशि में होने का अशुभ प्रभाव था वो कम हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ भी कमजोर है, जो मानसिक तनाव चिंता को दर्शाता है, लेकिन फिर भी सफलता के लिए कोई खराब नहीं है। यहाँ पर राहु की स्थिति बढ़िया हो गई, क्योंकि राहु भी कुंडली के छठे भाव में शुभ फलदायी बन जाता है, तो अच्छी बात है। यहाँ जरूर केतु बुध मंगल है, तो प्रॉपर्टी आदि लेते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, उसमें विवाद होने का, कई बार फिर से फंस जाने का योग बन जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव में है, विवाह के बाद तरक्की, धनदायक योग बढ़ जाते हैं, जीवन साथी भी अच्छा सहयोग करने वाला मिल जाता है, कई बार पास में विवाह हो जाए इस तरह की बात भी देखने को मिली, लेकिन जीवन साथी अच्छा मिल जाता है और सपोर्ट करने वाला और साथ देने वाला मिलता है, जिसके चलते व्यक्ति को
शुभ परिणाम प्राप्त होता है और अच्छा जीवन यापन दोनों कर पाते हैं। तो यहाँ पर संतान के लिए, जीवन साथी के लिए प्रभाव अच्छा है, कोई विशेष खराब नहीं है, उनका साथ भी अच्छा है, गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कम से कम स्वयं के परिवार में तो व्यक्ति को अच्छा बनाकर रखता है, अपने संबंध व्यक्ति सबसे अच्छे रखता है। अन्य से भले संबंध कई बार खराब हो जाए, लेकिन स्वयं से तो व्यक्ति अच्छे संबंध सभी से रखने का प्रयास करता है। बाकी आगे अगर देखा जाए धन के लिए भी ठीक ही स्थिति है, राहु में कम से कम धन लाभ में वृद्धि अवश्य होगी, क्योंकि मंगल तो 12वें में था तो खर्च बढ़ा रहा है पिछले 7 वर्षों से। अब जब आगे राहु लगेगा तो राहु में खर्चे तो होंगे, लेकिन सही कार्यों पर और कम मात्रा में होंगे, सही लिमिटेड स्थिति में आ जाएगा व्यक्ति, जिससे धन का मैनेजमेंट भी सही हो पाएगा और व्यक्ति काम भी अच्छी तरह कर पाएगा। तो ये कुछ कुंडली की ग्रह अवस्था का प्रभाव है। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।